हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं चने का दाल का पकौड़ी। तो जिसके लिए सामग्री लगेगा तो हम बता देते हैं। देखिए, हम ये चने का दाल लिए, इसको रात भर हम अच्छी तरह से इसको भींगा भींगा कर रखे थे। ये अच्छी तरह से फूल गया है गाइस, और अच्छी तरह से हम इसको धो भी लिए हैं। और ये देखिए धनिया पत्ती है, और ये सागा वाला प्याज हम थोड़ा सा लिए हुए इस तरह से हम काट लिए हैं। थोड़ा सा हम खड़ा जीरा लिए है, और ये मिर्ची है। तो सबसे पहले हम इसको मिक्सर जार में पीस लेते हैं। तो देखिए, हम ये मिक्सर जार ले लिए हैं। अब इसमें हम दाल डाल लेते हैं। इसमें सारा डाल देंगे, अच्छी तरह से ये पिसा जाएगा। इसमें पानी हम थोड़ा सा डालेंगे गाइस, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा पानी डालेंगे तो गीला हो जाएगा, फिर आपका पकौड़ी अच्छा नहीं बनेगा। तो हम लोग बहुत थोड़ा सा पानी डालेंगे। देखिए, हम सारा डाल दिए इसमें दाल। अब इसमें हम डाल देते हैं ये हरा मिर्च जो लिए हुए हैं इस तरह से, और इसमें जीरा भी हम डाल देंगे। अब हम पीस कर लेकर आते हैं गाइस। देखिए गैस, हम अच्छी तरह से पीस लिए हैं। देखिए, ये अच्छी तरह से पीस लिए हैं, इसमें ज़्यादा पानी हम नहीं डाले हैं। अब इसको हम निकाल लेते हैं बर्तन में। सारा इसमें निकाल लेते हैं। देखिए, हम सारा निकाल लिए हैं। अब इसी में हम डाल देंगे ये सागा वाला प्याज, हम थोड़ा सा काटे हैं ये डाल देंगे। थोड़ा सा हम धनिया पत्ती डाल देंगे, इसी में हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे गाइस। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे गाइस। और मिर्चा इसमें पीसे हुए गाइस, इसीलिए हम ज़्यादा मिर्चा पाउडर नहीं डालेंगे, सिर्फ थोड़ा सा, हम आधा चम्मच से भी कम डालेंगे हम मिर्चा, इसलिए कि हम इसमें हरा मिर्च काट पीस लिए हैं। तो हम थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी डाल देते हैं। इसी में हम थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। देखिए गैस, हम गरम मसाला भी डाल दिए इसमें। अब नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार। गरम मसाला डालेंगे तो बहुत ही टेस्टी बनता है पकौड़ी ये चने का दाल का। तो देखिए, हम स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए गैस, हम अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिए हैं। अब कढ़ाई रख दिए गैस पे, गरम हो जाएगा तेल, तो हम इसमें फ्राई करेंगे इसको। तो देखिए गैस, हमारा तेल गरम हो गया था, उसी में हम डाल दिए हैं, इस तरह से हम डाले हैं। तो हम अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लेंगे। ये चने की दाल का पकौड़ी बहुत ही टेस्टी बनता है, आप लोग बनाइएगा। तो इस तरह से हम फ्राई करेंगे। गैस, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करिए आप। देखिए, इसी तरह चने की दाल का पकौड़ी बहुत ही टेस्टी बनता है गाइस, इसी तरह बनाइएगा आप लोग। हरी चटनी या केचप के साथ भी खा सकते हैं। तो देखिए, एक तरफ ये अच्छी तरह से हो गया है। अब हम इसको इस तरह से हम पलट लेते हैं। देखिएगा, इस तरह से हम पलट लेते हैं।
देखिए इस तरह से हम फ्राई, तो देखिए गाइस ये अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब हम निकाल लेते हैं प्लेट में। देखिए निकाल लेते हैं। अब इसी तरह हम दूसरा भी फ्राई करेंगे। देखिए गाइस इसी तरह हम डाल लेते हैं दूसरा भी। देखिए गाइस हम डाल देते हैं सारा इसमें, अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे इसको भी। तो देखिए गाइस हम अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लिए हैं। अब इसको भी हम निकाल लेते हैं प्लेट में। देखिए हम सारा फ्राई कर लिए हैं, निकाल लेते हैं प्लेट में। देखिए गाइस हमारा पकौड़ी बनके रेडी हो गया है। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कैसा बना था। अगर गाइस मेरे चैनल को आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं गाइस, प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। अब मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए।